अब तक आपने देखा, रामा बाबा गंगू गहन की कुटिया में पहुंचकर बाबा से छोटू रामा के विषय में सत्य जानने की कोशिश करता है। वो बाबा को दरबार में आकर महाराज के समक्ष ये कथन रखने को कहता है कि छोटू रामा अनानास से नहीं जन्मा है। घर में अम्मा और शारदा भी छोटू रामा को अपना पुत्र मानने से इनकार करती हैं। दूसरी ओर दरबार में रामा महाराज को ये बताता है कि छोटू रामा उसका पुत्र नहीं है, और इस कथन का प्रमाण देने के लिए वो बाबा गंगू गहन को दरबार में बुलाना चाहता है। अब आगे डम डम डुग डुग डम डम डुग डुग डम डम डुग डुग डम डम डुग डुग। प्रणाम महाराज। बाबा, आप दरबार को कोई सूचना देने वाले थे? हाँ महाराज, हमें कुछ स्मरण हो आया, इसी कारण हम यहाँ दोबारा उपदेश देने के लिए आए हैं। महाराज, उस रात्रि हमने उस पपीते का तो भक्षण किया, लेकिन उसके बाद हम वहीं पर बैठ के अपनी सिद्धियों के बारे में चिंतन करने लगे। महाराज, चिंतन करते करते हमें सुधा का अनुभव हुआ। हमने इधर उधर देखा तो महाराज वहां पर एक अनानास रखा हुआ था। महाराज, सुधा के कारण हमने उस अनानास का भी भक्षण कर लिया। परंतु बाबा, आपने तो कहा था कि आपने केवल पपीता ग्रहण किया था। गुरुदेव, उस दिन हम चिंतन में इतने लीन हो गए कि हमें ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब हमने उस अनानास का भक्षण कर लिया। वो तो पंडित रामकृष्णा ने हमें स्मरण कराया, तब जाके हमें स्मरण हुआ। अब ठीक है गुरुजी? बिल्कुल ठीक है गुरुजी, हमने तो कहा था कि इसको धन दे दीजिए, पर आप हमारी सुनते ही नहीं है। यहाँ कैसे दे दें? इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी फल से उत्पन्न नहीं हुए, तो फिर हमारा परिचय क्या है? हम किसके पुत्र हैं? छोटू, वास्तव में तुम बरगद के वृक्ष से उत्पन्न हुए हो, किसी फल से नहीं। तो जिसने भी उस बरगद के वृक्ष को रोपा था, तुम उसी के पुत्र हो। उचित कथन है आपका पंडित रामकृष्ण, उचित कथन है। परंतु उस बरगद के वृक्ष को तो कई वर्षों पहले रोपा गया होगा, अब यह कैसे पता लगाया जाए कि वो वृक्ष किसने रोपा था? महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य आज्ञा है। महाराज, आप तो भली भांति जानते हैं कि विजयनगर में जब भी कोई पेड़ लगाया जाता है तो उसका विवरण अंकित कर सुरक्षित रखा जाता है, और ये परंपरा आपके पूर्वजों से चली आ रही है। महाराज जी, जानते हैं। महाराज, इस बरगद के वृक्ष का उल्लेख इतिहास में है, और हमें ये भली भांति स्मरण है, और हमें ये इसलिए स्मरण है क्योंकि इसका सीधा संबंध आपसे है महाराज। हमसे? जी हाँ महाराज, विजयनगर राज्य की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर आपने स्वयं ये वृक्ष आपके पिताजी के सानिध्य में रोपा था। ये क्या कह रहे हैं आप महामंत्री जी? सत्य कह रहे हैं महाराज, अभिलेखों में यही अंकित है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि छोटू महाराज का पुत्र है। पिताश्री महाराज, हम आपको पाकर धन्य हो गए। पिताश्री महाराज धन्य हो गए। छोटे पिताश्री अर्थात पंडित रामकृष्ण जी, हम आपको भी सहज धन्यवाद देते हैं। आज से हम विजयनगर राज्य के राजकुमार हो गए। कहाँ है मेरा सांगा? अरे छोटू, वहाँ महाराज के समीप, वो है तुम्हारा स्थान। जाओ जाओ जाओ। रुक जाइए वहीं पर, आप रुक जाइए, नीचे उतरिए। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कह रहे हैं आप? वृक्ष से भला कोई कोई पुत्र उत्पन्न कैसे हो सकता है? ये उपहास नहीं है महाराज, ये संभव है। यदि फल से बालक उत्पन्न हो सकता है तो बरगद के वृक्ष से भी अवश्य उत्पन्न हो सकता है। आप तो बस एक अच्छे पिता का दायित्व पूर्ण कीजिए और अपने इस पुत्र को उज्जवल भविष्य प्रदान कीजिए, है कि नहीं? पिताजी, रुकिए रुकिए, आप वहीं रुकिए। महाराज, क्या ये सचमुच हमारा पुत्र है? महारानी जी, कहो पुत्र। कहिए महाराज। अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि हमारा पुत्र है, आप दूर रहिए उससे। माँ, हमें अत्यंत तीव्रता से भूख का अनुभव हो रहा है। माँ,
पुत्र, हम अभी आपके लिए अपने हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आते हैं। जी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपका पुत्र नहीं है। महाराज, महारानी को छोटू के लिए भोजन लाने दीजिए ना, इन्हें अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन इसे खिलाने दीजिए। अच्छा, उचित है, ठीक है महारानी तिरुमलम्बा, आप जाइए अपने हाथों से विशेष व्यंजन बनाइए और खिलाइए अपने इस पुत्र, इन्हें खिलाइए। हम अभी आए। ये क्या है माँ? ये है लौकी और आंवले का हलवा। लौकी और आंवले का हलवा? हाँ। लाओ माँ, हमें अत्यंत भूख लगी है। स्वादिष्ट है ना? और खाओ। क्या हो गया महाराज? पुत्र उठो, पुत्र उठो, पुत्र। मैं कहाँ हूँ? मेरे बनाए हुए स्वादिष्ट व्यंजनों के बिल्कुल निकट। लो खाओ। ये क्या बोला है बोला? हम नहीं खाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम नहीं खाएंगे। महाराज, ये हमारा पुत्र नहीं है, ये हमारा पुत्र हो ही नहीं सकता। आप तो हमारे बनाए व्यंजन इतने प्रेम से ग्रहण करते हैं, और ये दुष्ट बालक। हम भी तो वही कह रहे थे महारानी थिरुमलम्बा, ये आपके पुत्र नहीं है, क्योंकि आपके बनाए विशेष व्यंजन तो अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। किंतु मैं तो बरगद के वृक्ष से उत्पन्न हुआ ना, तो आपका ही पुत्र हुआ ना पिताश्री महाराज। बस बस, अब हम थक गए हैं। पंडित रामकृष्ण जी महाराज, आप हमारे विशेष सलाहकार हैं ना, तो आप निकालिए इस समस्या का समाधान, निकालिए ये आदेश हमारा। जो आ गया महाराज। महाराज, मैंने भी इस विषय में थोड़ी छानबीन की थी, और मुझे ये पता चला कि उस बरगद के पौधे को आपने अपने हाथों से नहीं रोपा था। सत्य है, हमने नहीं लगाया था। जी महाराज, महाराज जब वो पौधा लगाया गया था तब आप एक नन्हे बालक थे, और ये बरगद का वृक्ष एक छोटा सा पौधा, इसलिए आपने उस पौधे को रोपने के लिए एक व्यक्ति को दिया था जो उस समय उस क्षेत्र की देखभाल करता था और अभी भी करता है। महाराज, उस बरगद के वृक्ष का असली अधिकारी वो व्यक्ति है जिसने अपनी मेहनत से उस नन्हे पौधे को पाल पोस कर, उसे सींच कर, उस पे खाद डालकर उसका रख रखाव किया, जिसके फलस्वरूप वो आज एक विशाल वृक्ष बना। ये सत्य है महाराज। तो फिर हमारे पिता कौन है, ये तो स्पष्ट कीजिए। छोटू, तुम्हारे पिता वही हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से उस नन्हे से पौधे को विशाल वृक्ष बनाया है। और महाराज, मैं उस मनुष्य को इस दरबार में उपस्थित करने की अनुमति चाहता हूँ। शीघ्र, अति शीघ्र बुलाइए उन्हें भीतर। महाराज प्रणाम। प्रणाम। महाराज, ये दंडकू हैं। ये श्मशान की रखवाली करते हैं और निवास भी वहीं करते हैं। इन्होंने ही अपनी मेहनत से उस नन्हे से पौधे को विशाल वृक्ष बनाया है। छोटू, तुमने प्रश्न किया था ना कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे पिता कौन है, ये दंडकू ही तुम्हारे वास्तविक पिता है। जाओ जाओ, इनके चरण स्पर्श करके इनका आशीर्वाद लो। जाओ जाओ छोटे मानव, तुम्हारे पिता तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं, जाओ निपट जाओ उनसे, जाओ। नहीं नहीं नहीं,
मैं बूढ़ा अशक्त हो गया हूँ, मुझे भी एक पुत्र की आवश्यकता है जो मेरी सेवा रात दिन कर सके और देखभाल कर सके। आज मेरी अभिलाषा पूरी हुई, आ मेरे पुत्र गले लग जा। जाओ छोटू, अपने पिता के पास जाओ, अब तुम्हें इनके साथ स्मशान में ही रहना है। नहीं 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 नहीं, नहीं ये मेरा पिता थोड़ी हो सकते, ये महाराज मेरा पिता है। अरे यही तुम्हारे पिता हैं, अब तुम्हें इनके साथ स्मशान में रहकर स्मशान की देखभाल करनी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं समझा में नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा समझा, इनकी देखभाल करनी होगी। तुम्हें जाना होगा समझा, इनकी देखभाल कर जाना होगा समझा, इनकी देखभाल करनी होगी। तुम्हें जाना होगा समझा, इनकी देखभाल करनी होगी। तुम्हें जाना होगा समझा, इनकी देखभाल करनी होगी। छोटू महाशय, अब तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम सभी के सामने अपना सत्य उजागर कर दो। ये सत्य है महाराज, ना ही मैं पंडित रामकृष्ण का, ना ही पंडित तथाचार्य का, ना ही महाराज आपका, और ना ही ये दंडकू का। मैं इन चारों में से किसी का भी पुत्र नहीं हूँ महाराज, और ना ही मैं किसी फल या वृक्ष से उत्पन्न हुआ। ये सब मैंने नाटक रचा था महाराज। अब सत्य बताइए, आपको ये नाटक रचने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? क्षमा करें महाराज, मैंने जब से संसार को देखा, स्वयं को अकेला पाया, जब से सोचना समझना प्रारंभ किया, स्वयं को एकाकी पाया, मेरी कद काटी और कुरूपता के फल स्वरूप मेरे माता पिता ने भी मेरा त्याग कर दिया। मैं सड़कों पर पला बढ़ा, ना मेरा कोई मित्र था, ना कोई परिवार, ना कोई काम देता था, मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं जहाँ भी जाता था लोग धक्के मार के निकाल देते थे, और मेरी कद काठी के कारण मेरा उपहास करते थे। मैं जिंदगी से तंग आ गया था महाराज। एक दिन मैं भटकता हुआ विजयनगर पहुंचा और अपने भाग को कोसता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी मैंने वहां पर गुरु माता को प्रसाद की थाली और आरती लेते आते हुए देखा। प्रणाम बाबा। डम डम डुग डुग, उड़ता तीर भोला फकीर, बोलो बेटी क्या चाहते? हमें संतान नहीं है, हमने आपकी सिद्धि के बारे में बहुत सुना है, हम पर भी अपनी कृपा करिए बाबा। हम तुम्हारा अभिप्राय जान गए बेटी, ये लो ये पपीता लो। जी बाबा। इसको ले जाकर बरगद के पेड़ के नीचे रख देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जो आज्ञा बाबा। उसके पश्चात जो भी हुआ वो अब सबको विदित है। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैंने जो अपराध किया वो परिस्थितियों के वशीभूत होकर किया, मैं लज्जित हूँ महाराज। महाराज, इस पूरे अपराध में इन महाशय का बहुत बड़ा योगदान है। मैं? मेरी इसमें क्या भूमिका है? पंडित रामकृष्ण, आपने तो मुझे आश्वासन दिया था। मैंने आपको केवल इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं आपकी दाढ़ी नहीं जलाऊंगा। मैंने अपना वचन पूर्ण किया, देखिए आपकी दाढ़ी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। महाराज, सबसे बड़ा अपराधी तो ये बाबा गंगू गहन ही है, ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है और उन्हें ठगता भी है। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। जी महाराज, जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, दुष्ट प्राणी है ये, सबको मूर्ख बनाया इसने। यदि हमारे बारे में किसी को कुछ बताया ना, या हमारी पोल खोली तो तुम्हारा धन बढ़वा देंगे। पंडित रामकृष्ण ने तुम्हारी दाढ़ी नहीं जलाई, हम तुम्हारी दाढ़ी अवश्य जला देंगे। सैनिकों, महाराज की आज्ञा का पालन हो, ले जाओ इस दुष्ट को। पंडित रामकृष्ण, अब आप बताइए कि इन महाशय के विषय में आपका क्या परामर्श है, इनके साथ क्या किया जाए? मैं इसकी अवस्था समझ सकता हूँ महाराज। विजयनगर एक अच्छे जीवन की अपेक्षा लेकर आया था, और इसकी अपेक्षा अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। मेरी आपसे विनती है महाराज कि इसे कोई राजकीय कार्य देकर यहीं रख लिया जाए।
परंतु हम अपने राज्य में इसे क्या कार्य दे सकते हैं महाराज? इसे गुप्तचर का कार्य दिया जा सकता है गुरुवर। ये कहीं भी प्रवेश करके कुछ भी ज्ञात कर सकता है। गुरुवर, मेरे विचार से तो इसे राज्य के सुरक्षा विभाग में नियुक्त कर देना चाहिए। महाराज, इसका चालाक मस्तिष्क राज्य के लिए उपयोगी हो सकता है। बात तो आपकी उचित प्रतीत होती है पंडित रामकृष्ण जी। महाराज, और फिर हमारे मंत्रीवर इसके लिए कोई ना कोई कार्य तो अवश्य ही प्रस्तावित कर सकते हैं, जिससे हमारे इन छोटू महाशय को प्रसन्नता भी होगी। क्यों छोटू? अवश्य मंत्रीवर। महाराज, मैं आपका आभारी हूँ महाराज, और पंडित रामकृष्ण आपका भी। मैं जीवन पर्यंत विजयनगर की सेवा करना अपना सौभाग्य समझूंगा। और पंडित तथाचार्य, आप भी मुझे क्षमा कर दें। हमें यह सब पूर्व से ज्ञात था, इसी प्रयोजन से हमने भी तुम्हारे नाटक में तुम्हारी सहायता की, क्योंकि हमें तुमसे सहानुभूति जो थी। प्यारे छोटे मानव, मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा गुरुवर। प्रसन्न रहो। अद्भुत, अंत भला तो सब भला, परंतु अभी अंत हुआ नहीं है पंडित रामकृष्णा। जी महाराज। ये पुरस्कार तो नहीं मिलने वाला? हाँ गुरुजी। जी महाराज। पंडित रामकृष्णा, आपने हमारी छोटी महारानी जी को विशेष व्यंजन बनाकर लाने के लिए क्यों कहा? आवश्यक था महाराज, समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक था। कहीं आप हमारी छोटी महारानी जी की पाक कला का परिहास तो नहीं कर रहे? नहीं महाराज, कदापि नहीं। शिव 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 शिव। नहीं, हमें ऐसा प्रतीत हुआ पंडित रामकृष्ण, इसलिए हमने विचार किया कि आप दंड के योग्य हैं, उसके पात्र हैं आप। त्रुटि हुई है आपसे, और आपका दंड ये है कि आज रात्रि हम मिलकर भोजन करेंगे। जी महाराज। आप अपने आवास से भोजन लेकर आइएगा, उसे हम ग्रहण करेंगे, और आप छोटी महारानी जी के हाथों से बने विशेष स्वादिष्ट व्यंजनों को ग्रहण करेंगे। नहीं 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 नहीं। तो ये तय रहा पंडित रामकृष्ण, आज रात्रि का भोजन। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी कृपा के कारण ही हूँ। तेरे आशीर्वाद से ही मेरा अस्तित्व है। अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर यूं ही बनाए रखना माँ। माँ, एक और आशीर्वाद देना। ये अकारण ही किसी समस्या में अपनी टांग ना अड़ाए, बार बार घर आने पर कोई नई समस्या लेकर ना आए, और हर बार 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 दरबार से निष्कासित ना हो जाए। शारदा, केवल शब्द हमारे हैं, प्रार्थना तो अम्मा की है ना? अम्मेश्वरी, कम से कम माँ के सम्मुख तो मेरा सम्मान बने रहने दो। माँ अंतर्यामी है। हाँ? उन्हें सब कुछ ज्ञात है, उन्हें पता है तू क्या है। हे माँ, मेरा परिवार मेरा सम्मान करेगा, मेरी ये आस कब पूर्ण होगी? दो दिवस पश्चात मकर संक्रांति है, और इस उपलक्ष में मैंने ये प्रण लिया है कि मैं अब से प्रतिदिन समय पर दरबार पहुंचूंगा। जो मेरे लिए भोजन लेकर आओ, विलंब हो रहा है। अभी लाते। और अम्मा, अपने पुत्र का उपहास उड़ाने से अच्छा है कि तुम थोड़ा जाप में ध्यान दो, ताकि पुत्र पर जो विपत्ति आने वाली हो वो टल जाए। उठा लो। अरे अभी अभी तो बोला ना कि मैं समय पर दरबार पहुंचूंगा, फिर लाठी उठाने की क्या आवश्यकता है? ये लो भोजन उठा लो, अन्यथा अम्मा लाठी उठा लेंगी। ए, ने, 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 ने। अम्मा, आते हुए मिलने नई दंतिया लेके आना। हाँ हाँ हाँ। हा।
शतरंज खेल है चंद मोहरों का, ये खेल कम नहीं है कुरुक्षेत्र से। बिसात है ये मेरी बिछी अब, ना बच पाएगा मुझसे कोई। गुलाम है कई राज्य हमारे, अब बारी है कृष्णदेव राय की। हारा ना मैं आज तक कभी, चलता हूं हर चाल सोच समझ कर। बिगुल बच चुका है अब विजयनगर के नाम का, मरेगा अब हर मोहरा इस राजा के हर चाल पर। जान ले कृष्णदेव राय, अब तो शय मेरी और मात तेरी, ये वादा है धनंजय मुदलियार का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.